दैट इज ऑस्टिकिथीज में आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहले वो बता रहा हूं। कॉन्ट्रोकिथीज में आपका कार्टिलेज का स्केलेटन था, यहां पे आपका बोनी स्केलेटन है। फर्स्ट पॉइंट, यहां आपको बोनी स्केलेटन देखने को मिला। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट, वहां आपका ऑपरकुलम एब्सेंट था। ऑपरकुलम मैंने समझाया था जो गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होता था एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को, यानी आई मीन वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता था। और गिल्स के ऊपर से जब ओपन हो जाते हैं तो वाटर गिल्स के थ्रू अंदर आ जाता था, और जब क्लोज गिल्स को कवर कर लेते थे ऑपरकुलम, तो फिर आपका वाटर गिल्स के थ्रू अंदर नहीं आ पाता। तो ऑपरकुलम्स आर अ स्ट्रक्चर विच विल कवर द गिल्स, तो यहां पे ये प्रेजेंट है ऑपरकुलम, दैट इज प्रेजेंट। देन इसके बाद आपके एयर ब्लैडर यहां पर भी प्रेजेंट है। अब एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ये बायोसी मेंटेन कर लेंगे, दैट विल हेल्प इन बायोसी। इनको कंटिन्यूअसली स्विम करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे पीछे प्लैकोइड स्केल्स थे, यहाँ पे टीनोइड स्केल्स आ गए। इनको आप टीनोइड स्केल्स भी कह सकते हो या यू कैन से सैक्लॉइड स्केल्स, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हो। साइक्लॉइड स्केल्स भी कह सकते हो और टीनोइड स्केल्स भी कह सकते हो, दैट इज। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, इनको आपको याद रखना ही रखना है। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट माउथ पे। अच्छा, माउथ से पहले ये फ्रेश भी हैं और आपके मैरिन भी हैं, दोनों तरह के हैबिट हैबिटेट में आपके दोनों तरह के होंगे। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैरिन वाटर में भी मिलेंगे। आपको कॉन्ट्रैकिथीज कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, कॉन्ट्रैकिथीज सिर्फ और सिर्फ मैरीन वाटर में देखने को मिले, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर फिशेस। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी यहां पर भी होगी, बॉडी कॉमनली सीधी सी बात है फिशेस है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी ही होगी। देन इसके बाद नेक्स्ट माउथ, तो पीछे आपने देखा था माउथ जो था बच्चों कैसा था, हाउ वॉज द माउथ इन कॉन्ट्रैकिथीज। सर वेंट्रल राइट, एंड यहां पे आपका कैसा हो गया, टर्मिनल हो गया। माउथ आपका नीचे की तरफ नहीं होगा, यहां पे सामने की तरफ होगा, टर्मिनल एंड पर होगा, लाइक दिस जो मैंने बताया था आपको, इस तरह से माउथ इस तरह से प्रेजेंट होगा। यहाँ ये नॉस्ट्रिल हो गई, ये नो आईज हो गई, दैट इज अ माउथ, ये टर्मिनल माउथ है, और वेंट्रल नीचे की साइड होता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होगी बच्चों, यहाँ पे आप लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होती, आपने देखा था पीछे बताया था कॉन्ट्रैकिथीज में नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम थी, यहाँ नहीं है। यहाँ नोटोकॉर्ड आपकी मॉडिफाइड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, आपका वर्टिब्रल कॉलम बना दिया इसने, दैट्स ऑल। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, यहां पे गिल्स की बात कर लेते हैं। यहां पे हम गिल्स की बात कर रहे हैं, पीछे आपने देखे थे वहां पे आपके जो गिल्स थे वो सेपरेट थे, लेकिन यहां गिल्स जो होंगे आपके दैट इज पेयर में हो, यहां गिल्स जो होते हैं पेयर में होते हैं, फोर पेयर होते हैं यहाँ पे, एंड ईच पेयर इज कवर्ड बाय अ ऑपरकुलम। ठीक है, यहाँ पे आपके गिल्स जो है पेयर में है, पीछे आपने कॉन्ट्रैकिथीज में देखे थे सेपरेट थे, वहां ऑपरकुलम नहीं था, लेकिन यहां पे आपकी कवरिंग होगी ऑपरकुलम की, दैट इज कवर्ड बाय ऑपरकुलम। ऑन ईच साइड। देन इसके बाद नेक्स्ट स्किन, तो आपके कॉन्ट्रैकिथीज में जो स्किन थी वहां पे आपने देखा था प्लैकोइड स्केल्स थे या टीनोइड स्केल्स आ गए, टीनोइड स्केल्स हो गए, यू कैन से साइक्लोइड स्केल्स आल्सो, इनको साइक्लोइड नाम भी आप जानते हो क्या रखा है। देन यहाँ पे टीथ, पीछे आपने देखे थे टीथ जो थे आपके कॉन्ट्रैकिथीज में प्लैकोइड स्केल्स के ही थे, यानी प्लैकोइड के मॉडिफाइड पार्ट थे, यहाँ पे आपके जो टीथ होते हैं बोन्स के होते हैं, तीन तरह के होंगे, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, अलग है एनसीईआरटी से।
यहाँ पे टीथ आपके तीन जगह हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है क्योंकि कॉन्ट्रकिथीस आपके ऑस्टियोकिथीस के अंदर भी, तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जगह पे इनका अरेंजमेंट होता है। किसी किसी में ये जॉ में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फाउंड इन जॉ, कहीं कहीं ये आपको माउथ के अंदर ही मिलेंगे सीधा, और कहीं कहीं ये बच्चों आपके जो मिलेंगे दैट इज फेरेंजियल्स में प्रेजेंट होंगे, दैट इज फाउंड इन फेरेंजियल। आपको ये चीज इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, आपका है भी नहीं है सिलेबस में, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, बस मैंने यहाँ पे ये बता दिया, एक हल्का सा टच दिया है आपको कि भाई अगर यहाँ आप ऑस्टियोकिथीस को देखोगे तो टीथ जो होंगे वो तो होंगे दैट इज बोन्स के, लेकिन अरेंजमेंट भी इनका अलग अलग हो जाता है, कहीं जॉ में, कहीं माउथ में, कहीं फेरेंजियल में प्रेजेंट होते हैं। और पीछे आपके दैट इज सिर्फ प्लैकोइड स्केल्स के। नेक्स्ट, इसके बाद अगला, यहाँ हर्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई आपका पिसेज है तो दो चैम्बर हर्ट हो, यहाँ पे दो ही चैम्बर है, एक वेंट्रिकल एक आपका ऑरिकल। देन इसके बाद कोल्ड ब्लडेड है क्योंकि पिसेज है, रेप्टाइल्स है आपके एम्फीबियंस, पिसेज, रेप्टाइल्स, ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एविस यानी बर्ड्स और मैमिलियंस आपके वार्म ब्लडेड होते थे, होम्योथर्मस, और ये होते हैं पोइक्लोथर्मस, तो दैट इज कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, दैट इज पोइक्लोथर्मस। इसके बाद आपका नेक्स्ट, इनके सेक्सेस की बात कर लेते हैं, तो आपके यूनिसेक्सुअल हैं, ये तो आप कॉमन सी बात है जो सभी में सेम होंगी, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग। देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हम देखेंगे एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। आफ्टर दैट ओविपेरस है, These are oviparous, and development कैसा होगा यहाँ पे? Development होगा that is यहाँ पे आपका direct, ठीक है, that is यहाँ पे आपने difference देख लो। ओके ठीक है, तो देखो बच्चों पीछे आप लोगों ने जब पढ़ा था तो पीछे आपने एक चीज देखी थी कॉन्ट्रकिथिस में सेक्सेस, तो वो भी आपके सेम थे, यूनिसेक्सुअली थे, वहां पे फर्टिलाइजेशन जो था वो आपका कैसा था, दैट इज इंटरनल था, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया है एक्सटर्नल, ठीक है, चेंज हो गया, यहां पे चेंजेस आ जाएंगे कॉन्ड्रोकिथीज और ऑस्टियोकिथीज में, यहाँ पर चेंजेस होंगे आपके कॉन्ड्रोकिथीज में, जब हम कंपेयर करते हैं, मैं एक जगह कंपेयर कर देता हूँ कॉन्ड्रोकिथीज को भी यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आप देखोगे कॉन्ड्रोकिथीज में आपने देखा था फर्टिलाइजेशन यहाँ पे था आपका इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, ये विविपेरस थे, जबकि आपके ऑस्टियोकिथीज कैसे हो गए, ओविपेरस हो गए, एग दे रहे हैं यहाँ, और यहां डेवलपमेंट आपका कैसा था, दैट इज इनडायरेक्ट, और यहां आपका डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया है, दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स हियर। इज इट क्लियर बच्चों, कॉन्ट्रकिथीज और ऑस्टियोकिथीज में सेक्सेस में जो डिफरेंस है समझ में आ गए, यस सर। इसको अलग से लिख लेना, मार्क कर लेना, ठीक है, एक ही जगह पे इनके डिफरेंसेस, ठीक है, ओके ग्रेट। तो ये हो गए आपके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ड्रोकिथीस एंड ऑस्टियोकिथीस, मेजर जो चीजें हैं वो सब आपने देख ली, एक बार क्विक रिवाइज करके बता दूंगा आपको फिर से, एक बार इसका एग्जाम्पल्स और देख लो, क्योंकि तो आपने देखा एग्जाम्पल्स में कि भाई शुरू में ये आपके फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से मैरीन है कौन से फ्रेश वाटर के हैं, तो पहले मैरीन वाटर की बात कर लेते हैं, जो आपकी मैरीन फिश है दैट इज यहाँ पे सबसे पहले फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश दैट इज एक्सोसीटस, देन इसके बाद आपका सी हॉर्स,
दैट इज हिप्पोकैम्पस ट्राइमैक्युलेटस, सिर्फ हिप्पोकैम्पस लिख लो, दैट्स अ नेम ऑफ जीनस। एक्सोकीटस और आपका हिप्पोकैम्पस, ये आपके मैरीन फिश हैं। एंड देन इसके बाद आपका फ्रेश फिश जो फ्रेश वाटर में रहेंगी, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। ठीक है, ओके बच्चे मैं बता दूंगा अभी, आशीष फिर से बता दो। ये चीजें आप मार्क कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स में काफी टाइम यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। देन आपका फ्रेश वाटर में कौन सी आ जाती है, रोहू। ये फ्रेश वाटर में मिलती है, नदियों में मिलती है रोहू जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लेबियो रोहिता। आपकी बुक में जो नाम दे रखा है सिर्फ लेबियो दे रखा है, एनसीईआरटी में लेबियो पूरा नाम होता है लेबियो रोहिता। देन इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रोहू का। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैटला, कैटला कैटला बोलते हैं इसको हम लोग, कैटला कैटला और हिंदी में काटला, मतलब वही फर्क है बस का और के का, बस दैट्स ऑल, काटला। एंड देन इसके बाद आपका दूसरा आता है दैट इज आपका मगूर, क्लैरियस, क्लैरियस दैट इज मगूर। ये आपकी फ्रेश वाटर की फिशेज है। इसके बाद लास्ट एक्वेरियम में जो मिलती है एक्वेरियम फिश, तो इसमें आपके आ गया बैटला, बैटला दैट इज फाइटिंग फिश, एक्वेरियम में मिलती है ये आपको। और दूसरी आपकी होती है दैट इज एंजल फिश, दैट इज कॉल्ड टेरोफाइलम। दिस इज योर एंजल फिश। आपको ये वाले एग्जाम्पल ध्यान रखने फ्रेश वाटर की और मैरीन वाटर की स्पेशली। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो था आपका कॉन्ड्रिकिथिस और ऑस्ट्रिकिथिस दोनों का था, दिस इज ऑल अबाउट दैट। अब एक बार मैं फिर से इनको क्विक रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रिकिथिस और आपका दूसरा था दैट इज ऑस्टिकिथिस। ऑस्टिकिथिस एंड कॉन्ट्रिकिथिस, देखो सबसे पहले तो पहली चीज यहां पे आपने क्या देखा, स्केलेटन जो था साइटोस्केलेटन, उसका क्या कहते हैं कार्टिलेज का था, कार्टिलेज स्केलेटन, और यहां था आपका बॉनी बोन्स का था। देन यहां पे आपका दूसरा देखा ऑपरकुलम एब्सेंट, ठीक है, यहां ऑपरकुलम एब्सेंट, यहां आपका ऑपरकुलम प्रेजेंट, ये यहां पर है, ठीक है। देन इसके बाद आपका यहां एयर ब्लैडर नहीं थे, एयर ब्लैडर जिसकी हेल्प से ये पानी में अपनी बायोसी मेंटेन करते हैं, यानी एक जगह पर रहते हैं, टिके रहते हैं। अगर एयर ब्लैडर है आशीष बेटा समझना, अगर एयर ब्लैडर होता है, नाम में समझ में आ रहा है, एयर कैविटीज होती है छोटी छोटी जिनमें एयर भर जाती है और उस वजह से आपका लिविंग जो होता था पानी में तैरता है, तो यहाँ पे आपके कॉन्ट्रिकिथिस में एयर ब्लैडर एबसेंट है, इसलिए इनको पानी में अगर तैरना है तो कंटिन्यूअसली स्विम करना है, ये लाइफ टाइम तैरती रहेंगी, कभी रुक नहीं सकती, कंटिन्यूअसली स्विम करते रहेंगे, रुक जाएंगे तो पानी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना है बिकॉज एयर ब्लैडर नहीं थे, लेकिन यहाँ आपके एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, यहाँ एयर ब्लैडर है तो इनको कंटिन्यूअसली स्विम करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से एक जगह रुक भी सकते हैं, डूबेंगे नहीं, अपनी बायोसी मेंटेन करेंगे। इज इट क्लियर नाउ आशीष? यस ठीक है। आपके एयर ब्लैडर यहाँ पे आपके थे प्लैकोइड स्केल्स, यहाँ आपके हो गए दैट इज टीनोइड स्केल्स, यहाँ टीनोइड स्केल्स हो गए। देन इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाए, ये आपके कैसे थे, ये थे आपके मैरीन, ये मैरीन फिश हैं, ये हैं आपकी फ्रेश
एंड मैरीन फिश, ठीक है। देन इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, यहां पे आपका माउथ दैट इज कैसा था, वेंट्रल, यहां पे आपका माउथ हो गया टर्मिनल। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट यहां पे आपका नॉटोकॉर्ड लाइफ टाइम प्रेजेंट है, सॉरी यहां, हाँ यहां पे आपकी नॉटोकॉर्ड लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है, लाइफ टाइम प्रेजेंट है, लेकिन यहां नॉटोकॉर्ड मॉडिफाइड हो गई, आपकी नॉटोकॉर्ड किसमें डेवलप हो गई, नॉटोकॉर्ड डेवलप हो गई वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम बन गया। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला, यहां पे आपके जो गिल्स थे ये आपके कैसे थे, सेपरेट थे कॉन्ट्रकिथिस में, यहां पे आपके गिल्स पेयर्ड हैं, और कितने हैं यहां पे, टोटल फोर है। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट यहां पे अगला, अरे यार एक मिनट, एक मिनट को, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट यहां पे आपने देखे थे कोल्ड ब्लडेड, जो दोनों के दोनों ही होते हैं, बोथ आर कोल्ड ब्लडेड। इसके बाद यहां पे आपके जो चेंजेस आए थे, हाँ देन सेक्सेस में आ गए थे, दोनों यूनिसेक्सुअल थे, यहां पे फर्टिलाइजेशन जो होता था, फर्टिलाइजेशन यहां पे था आपका दैट इज आपका इंटरनल, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया आपका एक्सटर्नल, दैट इज ये थे आपके विवीपैरस, और ये हो गए आपके दैट इज ओवीपैरस, एंड देन यहां डेवलपमेंट आपका हो गया दैट इज इनडायरेक्ट, और यहां डेवलपमेंट हो गया आपका डायरेक्ट। तो बच्चों अब आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं आ गए, मैंने एक तरफ ही आपको सारा का सारा डिफरेंस बता दिया है, पूरी की पूरी क्लासेस एक जगह समझा दी। इज इट क्लियर नाउ सभी को, ठीक है, ओके शिल्पा, बाकी बच्चों क्लियर ही वाली बात जल्दी बताइए प्लीज। यस सर, यस सर, ठीक है। आपको बस यही चीज लिखनी है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ये पॉइंट दिमाग में रखोगे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आराम से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर आपको, बस ये पॉइंट ध्यान में रखें, ठीक है। एक आध कोई पॉइंट अगर बच्चों मिस हो गया हो तो प्लीज एक बार आप देख लेना खुद ही, मैंने बाकी सारे पॉइंट्स आपको लिखवाई दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास, दैट इज आपके एम्फीबियंस। पिसेस आपकी सुपर क्लास थी, हमने देखा था एगेंथा, और आपका दूसरा था दैट इज आपका गैनेथोस्टोमेटा। एगेंथा में जॉलेस थे, जहां पे आपका साइक्लोस्टोमेटा जो थी वो आ गई थी, जिसमें आपने लैम्प्रे देखा था, जहां पे माउथ में आपके जॉज नहीं होते थे एगेंथा के अंदर, और आपका गैनेथोस्टोमेटा में जॉस थे। तो वहां आपने दो सुपर क्लास, पहले तो आपने दो सुपर क्लास बनाई थी, एक पिसेस एक टेट्रापोड्स। पिसेस में आपके आ गए दैट इज आपके कॉन्ट्रकिथिस और दूसरा ऑस्ट्रकिथिस। अब हम टेट्रापोड्स की तरफ मूव कर गए हैं, यहाँ पर आपको लिम्स देखने को मिलते हैं, द लिम्स आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे आपकी पहली क्लास आती है एम्फीबियंस, क्लास एम्फीबियन राइट डाउन, द फर्स्ट वन इज योर क्लास एम्फीबियन टेट्रापोड्स में। ठीक है, सीधी सी चीज है, एम्फी का मतलब होता है आपका ड्यूअल, और बीएन जो लिया गया है ये वर्ड लिया गया है बीएन दैट इज बायोस, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो आपके एम्फीबियंस आप सभी पहले से जानते हो ड्यूअल लाइफ सर्वाइव करते हैं, ड्यूअल लाइफ होते हैं। प्लांट्स में कौन से थे जिनको आप एम्फीबियन बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स, राइट आशीष, ब्रायोफाइट्स जो होते थे दैट इज कंसिडर्ड एज योर एम्फीबियन इन प्लांट किंगडम, राइट अंकिता, ब्रायोफाइट जो होते थे।
क्योंकि आपके ब्रायोफाइट जो होते थे इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती थी, एज वेल एज ये ऐसे एरिया में ग्रो करते थे जहां पे पानी भी हो और जमीन भी हो, यार तालाब के आसपास, लाइक जहां पे दोनों तरह का मिक्सचर होता है, वाटर और आपका जमीन दोनों ही होती थी। ये प्रॉपर टेरेस्ट्रियल नहीं होते थे। प्रॉपर टेरेस्ट्रियल आपके सबसे पहले कौन से प्लांट्स बने थे जो प्रॉपर टेरेस्ट्रियल थे? टेरिडोफाइट्स राइट, दैट वाज टेरिडोफाइट जो प्रॉपर टेरेस्ट्रियल्स थे। और वैस्कुलोबंडल सबसे पहले किसमें डेवलप हुआ था? सबसे पहले वैस्कुलोबंडल किसमें डेवलप हुए थे? टेरिडोफाइट्स राइट राइट, टेरिडोफाइट्स में हुए थे। अविनाश सॉरी बच्चे यू आर रॉन्ग, जिम्नोस्पर्म में नहीं हुए थे। जिम्नोस्पर्म में तो आपके नेकेड सीड डेवलप हुए थे। टेरिडोफाइट भी सबसे पहले आपके सो आपके जो टेरिडोफाइट्स थे उन्हीं में ही सबसे पहले आपके जो वैस्कुलोमंडल थे, जाइलम फ्लोएम, वो भी डेवलप हुए थे। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी हैं और इन्हीं में ही आपको सबसे पहले वैस्कुलोमंडल देखने को मिला। प्रॉपर रूट स्टेम लीफ भी इन्हीं में ही देखने को मिली थी। जिम्नोस्पर्म में तो आपका बस नेकेड सीड आ गया था जो टेरिडोफाइट में नहीं था। तो कम टू द नाउ टॉपिक, आपके एम्फीबियंस थे, आपको पता ही है आपके डुअल्स लाइफ सर्वाइव करते हैं, आपका एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों जगह रहते हैं, दे लिव ऑन बोथ प्लेसेस, सबसे पहली चीज। ठीक है, नाउ इसके बाद आपका यहां पे आपके लिम्स प्रेजेंट होते हैं, टू पेयर्स लिम्स हैं आपके, टू पेयर्स। ठीक है, लिम्स आप सभी जानते ही हो, हाथ पैर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अब इसमें आ जाओ आपका नेक्स्ट, बॉडी जो होती थी दो पार्ट में डिवाइड होती है, बॉडी जो होती है दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड होगी, हेड होगा और दूसरा जो होगा ट्रंक होगा। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज ट्रंक। ट्रंक दैट इज हेड के पीछे का पार्ट, जैसे फ्रॉग देखा है सभी ने, तो फ्रॉग में आपने देखा होगा हेड जो होता है आगे वाला पार्ट होता है एंटीरियर, और उसके पीछे का पार्ट जो होता है पोस्टेरियर, दैट इज ट्रंक होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ट्रंक समझ में आ गया ना पार्ट कैसा होता है, या मैं आपको यस डायग्राम में सर। समझाऊं? चलो ठीक है, तो दैट इज ये आपका हेड और आपका दूसरा क्या था, ट्रंक था। किसी किसी में आपको टेल भी देखने को मिलती है, समटाइम टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, समटाइम टेल इज ऑल्सो, अलग से पॉइंट। बॉडी के अंदर मोस्टली आपको हेड और ट्रंक ही देखने को मिलता है, बट किसी किसी एम्फीबियर में टेल भी देखने को मिलेगी, लाइक सेलामेंडर, एग्जाम्पल सेलामेंडर। आपके सेलामेंडर जो होते हैं इनमें आपको टेल भी देखने को मिलती है, हेड भी होगा, ट्रंक भी होगा, टेल भी होगी। देन इसके बाद आपके नेक्स्ट, इसमें यहां पे बच्चों जो स्किन होती थी, स्केल्स नहीं होंगे, यहां पे जो स्किन होगी वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी, और स्केल्स नहीं होंगे, नो स्केल्स। जैसे अभी आपने फिशेस में देखा था वहां पे आपको स्केल्स देखने को मिले, इसके आगे आप जब रेप्टाइल्स में आओगे तो स्नेक में भी स्केल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर स्केल्स नहीं होते, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, काफी नमी होती है, गिलगिली टाइप की होगी, ठीक है, म्यूकस उसमें भरा रहता है इनकी मॉइस्ट स्किन में, तो उस वजह से इनकी स्किन काफी ज्यादा मॉइस्ट हो जाती है, काफी ज्यादा लिक्विड जैसी हो जाती है, ऊपर से देखने में गीला गीला नजर आता है। फ्रॉग देखा ही होगा आप सभी ने, तो उसमें आपने ये चीज बहुत आराम से देखी होगी कि फ्रॉग्स की स्किन जो होती है काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, काफी ज्यादा मॉइस्ट होती है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसमें काफी ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट, इनके ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मार्क करोगे इसे, ये आया है नीट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बच्चों, यहाँ पे ये है कि इनमें आईलिड्स होती हैं। आपने पिसेस में देखा वहां आईलिड्स नहीं थी, यहाँ आईलिड्स प्रेजेंट होती है, तो आई जो होंगी इनमें क्या प्रेजेंट होंगी, दैट हैव आईलिड्स, इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको आईलिड्स देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज एक और यहाँ पे जो देखने को मिलती थी, यहाँ ईयर नहीं होते, आई मीन एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ईयर पिन्ना नहीं होते, जैसे हमारे में है, वी हैव ईयर पिन्ना, और इसके अंदर आपकी एक मेम्ब्रेन होती थी, दैट इज कॉल्ड टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो होती है, तो हमारे कानों के अंदर जो ये मेम्ब्रेन होती है दैट इज टिम्पेनम मेम्ब्रेन, इसकी वजह से हमें साउंड का पता चलता है। लेकिन हमारे में क्योंकि हम ज्यादा एडवांस हैं तो हमारे में ये ईयर पिन्ना भी आ गए, जिससे कि ये साउंड को कलेक्ट करें और हमारे टिम्पेनम मेम्ब्रेन तक पहुंचाएं,
लेकिन आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं या आपके जो एम्फीबियंस थे, इनमें ये एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ईयर पिन्ना नहीं होते, बट टिम्पेनल मेम्ब्रेन होती है जो एक ईयर का ही काम करती है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करो. यहां पे आपके जो ईयर होते हैं दैट इज क्या है, टिम्पेनम. ईयर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आपके टिम्पेनम करते हैं, एम्फीबियंस में भी और रेप्टाइल्स में भी, इसको मार्क करो. ओके, एंड यहां पे आपके जो ईयर पिन्ना होते हैं वो एब्सेंट. ईयर पिन्ना का मतलब एक्सटर्नल ईयर जो है ये एब्सेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? हाँ यस ओके. बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? अविनाश, अंकिता, आराधना ने बता ही यस दिया. सर ओके, वर्षा, झनक, प्रभजोत, शिल्पा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस सर ठीक है. यस तो यहाँ पे अब तक तुमने जितने पॉइंट्स देखे सारे कॉमन थे, सब आप जानते हो. दो पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं आपके एम्फीबियंस में, एक तो आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं, दूसरा इनमें टिम्पेनम मेम्ब्रेन है जो ईयर का काम कर रही है. नेक्स्ट आ जाओ डाउ. यहाँ पे एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्लोका. तो ये समझ लो है क्या, यहां पे आपके एम्फीबियंस के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस आपका यूरिनरी ट्रैक जो होता है, यूरिनरी ट्रैक और आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक एम्फीबियंस के अंदर, ये तीनों के तीनों एक कॉमन ओपनिंग होती है जहां ओपन होते हैं तीनों के तीनों. ठीक है, दैट विल ओपन इनटू अ कॉमन डक्ट. एक ही डक्ट में ओपन होंगे और इसको बोलते हो आप क्लोका, दैट इज कॉल्ड क्लोका. इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां पे ध्यान रखने ही रखने. ये हो गया क्लोका. क्लोका क्या है, एक आपका ओपनिंग है, दैट्स अ एक्सटीरियर ओपनिंग. ठीक है, एक ही ओपनिंग है एक्सटीरियर है जो आपकी, दैट इज क्लोका. यही आपका, इसी में ही आपका यूरिनरी ट्रैक, इसी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक और इसी में एलिमेंट्री ट्रैक जो है वो आके ओपन हो, तीनों यहीं पर आके ओपन होते हैं. इज इट क्लियर नाउ बच्चों? यस सर ठीक है, ठीक है, ओके शिल्पा. अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके अविनाश, नाउ अब आ जाओ इसके बाद रेस्पिरेशन. आपने अभी तक पीछे देखा था रेस्पिरेशन हो रहा था गिल्स के थ्रू, क्योंकि आपके भाई, आप सभी जानते हो कॉमन सेंस से सीधा सा कि भाई कोई लिविंग पानी के अंदर रह रहा है, एक्वेटिक है तो गिल्स से करेगा, और अगर कोई आपका टेरेस्ट्रियल है जमीन पर रहता है तो लंग्स से करेगा. तो यहाँ गिल्स लंग्स दोनों ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू भी होगा. जो एक्वेटिक है गिल्स के थ्रू करेंगे, जो टेरेस्ट्रियल्स हैं वो लंग्स के थ्रू करेंगे, और इसके अलावा स्किन के थ्रू भी होता है, बाय स्किन ऑल्सो. आप में से कौन मुझे बताएगा, जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन एनी लिविंग रेस्पायर थ्रू देयर स्किन, और ये कौन से फाइलम में आपने पीछे पढ़ा था? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. वेरी गुड आशीष, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम सो हैप्पी यू आर डूइंग गुड. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वेरी गुड. और ये कौन से, कौन बताएगा किस फाइलम में था ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इससे पहले किस फाइलम में देखा था आपने? वो एनिलिड. वेरी गुड, वेरी गुड, एनिलिड. राइट राइट, आ रहा एनिलिड्स में, एनिलिडा जो होते, और एनिलिडा में भी कौन, आपके अर्थवॉर्म पैरेटिमा पोस्थुमा, दैट्स अ साइंटिफिक नेम. पैरेटिमा पोस्थुमा, इनके अंदर आपको
स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिला था, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिला। यही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपको एम्फीबियंस के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, फ्रॉग में भी देखने को मिलता है। दैट इज फ्रॉग जो होते हैं अपने स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग्स के अंदर गिल्स भी होंगे। जब फ्रॉग आपके स्टार्टिंग में लार्वा स्टेज में होते हैं, एज यू नो फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल अपने गैमेट्स पानी में छोड़ देते हैं, वहीं फर्टिलाइज होते हैं पानी में। तो लार्वा जो बनता है, पहले एग बना, एग से लार्वा बना, तो शुरुआत में इनमें क्या होते थे, दैट इज टैडपोल जो बना, लार्वा जो बना, स्टार्टिंग वाली फेज में इनमें गिल्स होते थे। लेकिन जैसे ये एडल्ट बन जाते हैं, फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए, तब इनके अंदर गिल्स की जगह पे लंग्स डेवलप हो जाते हैं, एंड प्लस ये अपने स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। आपके अगर लंग्स के थ्रू हो रहा है तो उसको आप लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब आपका कोई लिविंग रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करता है तो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट इज इसको आप पल्मोनरी रेस्पिरेशन नाम देते हो। और स्किन के थ्रू कर रहा है तो दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? अविनाश, आराधना, आशीष, वर्षा, शिल्फा, प्रभजोत, झनक, अंकिता, अंकिता इज देयर और नॉट? ठीक है, सभी को क्लियर नहीं वाली बात? ठीक है, ओके बच्चों, चलो तो ये हो गया, नाउ डन, रेस्पिरेशन इज डन नाउ। ठीक है झनक, ओके ओके प्रभजोत, आओ आ जाओ, उसके बाद आपका नेक्स्ट हर्ट की बात कर लेते। ठीक है, आपके एम्फीबियंस से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एम्फीबियंस के अंदर आपका हर्ट होगा थ्री चैम्बर, दैट इज थ्री चैम्बर आपका हर्ट होता था। थ्री चैम्बर्स में आपके क्या होंगे, दो ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, दैट इज योर थ्री चैम्बर हर्ट इज प्रेजेंट हियर। डन, ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड है, अभी आपको पहले ही बताया रेप्टाइल्स तक आपके सारे कोल्ड ब्लडेड है, तो यहाँ पे ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड हो गए। पॉइक्लोथर्म्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, दैट इज पॉइक्लोथर्म्स। दैट इज योर पॉइक्लोथर्म्स हो गए। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस। तो यूनिसेक्सुअल तो है ही है, दे आर यूनिसेक्सुअल, पहला पॉइंट। देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी देखने को मिल जाते हैं, मेजोरिटी एक्सटर्नल की ज्यादा है, तो आप एक्सटर्नल लिखोगे। देन इसके बाद ओविपेरस है और आपको डेवलपमेंट यहां पे इनडायरेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आप फ्रॉग का एग्जांपल ले, मेटामॉर्फोसिस मिलती है आपको वहां देखने को, लार्वा स्टेज अलग होती है एंड एडल्ट स्टेज अलग होती है देखने को, तो दैट इज मेटामॉर्फोसिस, जहां जहां होगी वहां वहां आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल्स पे, अभी तक आपने विविपेरस केवल एक जगह पढ़ा है, दैट इज आपके कॉन्ट्रकिथिस, उसके बाद आपने अभी तक जितने भी देखी दो क्लासेस आपके ऑस्ट्रकिथिस और आपका एम्फीबियन, दोनों जगह ओविपेरस है। बिफोर ये होता है आपका, सबसे पहले इसको कहते हैं टोड, ये जो फ्रॉग होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और इसके अंदर ना पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं,